नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइफ और मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार की राजनीति की रूपरेखा बदल चुकी है। नीतीश लालू की सियासी दोस्ती टूट चुकी है। बिहार में अब एनडीए की सरकार है। अब बारी है शक्ति परीक्षण का। बता दें आपको कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा है, लेकिन उससे पहले ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव प्रशिक्षण के दौरान खेला करने की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव मीडिया से भले ही बातचीत नहीं कर रहे हो, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विरोधियों के खिलाफ हमले जारी रखने का निर्देश दे दिया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के निर्देश के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के स्तर पर हुई बैठक में बीते 17 महीने की गठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव की पहल पर हुए कार्यों पर चर्चा हुई। बैठक में यह सहमति बनी कि जो योजनाएं कार्यक्रम तेजस्वी यादव की पहल पर शुरू हुए, उनका घर घर बखान किया जाए। पार्टी के जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के नेता संबंधित कार्यों के साथ प्रखंड से लेकर पंचायत तक एक एक घर में जाएंगे और उन्हें बीते 17 महीने में महागठबंधन की सरकार के नेतृत्व में किए गए प्रमुख 17 कामों का ब्यौरा देंगे। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी ने जिन कामों को प्रचार के लिए सूचीबद्ध किया है, उनमें 4 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, 94.35 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिलाने की पहल करना, 35.42 लाख परिवारों को आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपए दिलाना, देश में प्रथम बार जाति आधारित गणना कराना, आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% किया जाना, वर्षों से लंबित मांग नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना, स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया जाना तथा 1.35 लाख से अधिक पदों पर स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुंचाना शामिल है। इनके अलावा शहरों में वाटर ड्रेनेज व्यवस्था के प्रावधान करना, खेलों में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना लागू किया जाना, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र और तालीमी मरकज का मानदेय बढ़ाना, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने जैसा कुछ प्रमुख कार्य है। सूत्रों ने बताया कि प्रचार की योजना को अंतिम रूप दिया गया है। विधानसभा में शक्ति परीक्षण के बाद राजद नेता जिलों के लिए कुछ करेंगे और 17 महीनों में 17 कामों का लेखा जोखा जनता के बीच में रखेंगे। जो 17 महीने की सरकार रही है, महागठबंधन की सरकार रही है, जिस सरकार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान क्या कुछ कार्य हुए हैं बिहार में, इन सब को जनता के बीच में पहुंचाने का काम करेगी आरजेडी कार्यकर्ता। तो इस दौरान अब 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। इस फ्लोर टेस्ट में तेजस्वी यादव क्या कुछ खेला करते हैं, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा है। तो क्या कुछ होगा वो देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।